एक हमारा प्रोग्राम चलता है जिसमें सब कुछ फ्री मिल सकता है, वो लॉटरी प्रोग्राम। लॉटरी प्रोग्राम अभी निकली हुई है, उस फॉर्म को भरिए, लॉटरी भरिए, हो सकता है कि आपको 100% फ्री वीक का भी मौका मिल जाए। आप गरीब तबके से आते हैं और ईश्वर ने आपका साथ दे दिया और वो चाहता है कि आप जीवन की सफलता छुए, तो हो सकता है लॉटरी में आपका नाम निकल आए। ऐसा नहीं है, पटना का मार्केट अपने आप में हमेशा से बहुत बड़ा रहा है और जब लोगों को ये पता पड़ता है कि कोटा की पूरी पेडागोजी यहाँ पे मिलने वाली है तो जाहिर सी बात है बच्चों का रुझान यहाँ पे रहेगा। ओवरनाइट खड़े हुए कोचिंग संस्थान नहीं है कि किसी ने हमारे साथ 200 करोड़ 500 करोड़ रुपए लगा दिए और हमने कोचिंग खड़ी कर ली, ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ है। हम पिछले 20 वर्षों से निरंतर ये काम कर रहे हैं, निरंतर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम अलग इसलिए हैं क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ टॉप रैंक्स पे बात नहीं करते हैं, हम सिलेक्शन परसेंटेज पे बात करते हैं। जो बच्चा एवरेज है, हाँ मेहनत उसे करनी पड़ेगी। जो छात्र 12th करने के बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं और कोटा जाते हैं, अब उन्हें कोटा जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में मोशन क्लासेस खुल गया है और यहाँ पे तमाम फैसिलिटी उपलब्ध है। साथ ही साथ मोशन के जो संस्थापक सदस्य हैं नितिन विजय, साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए अब जो छात्र दूर जाते थे, जिनके पास पैसे कम है यानी आर्थिक रूप से जो छात्र कमजोर है, अब उन्हें जो है बिहार की राजधानी पटना जाने की आवश्यकता नहीं मिलेगी, तमाम फैसिलिटी यहीं पे उपलब्ध है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि देखिए हमारे पास एक लॉटरी सिस्टम है, जिस लॉटरी सिस्टम के माध्यम से जो भी छात्र इस लॉटरी सिस्टम में फंस जाएंगे उन्हें जो है फ्री भी पढ़ाया जा सकता है और कम फी में बेहतर एजुकेशन देने का काम हम कर रहे हैं और बेहतर क्वालिटी होगी यहाँ पे। क्या कुछ कह रहे हैं संस्थापक नितिन विजय, सबसे पहले आप वो सुने। ऐसा नहीं है, पटना का मार्केट अपने आप में हमेशा से बहुत बड़ा रहा है और जब लोगों को ये पता पड़ता है कि कोटा की पूरी पेडागोजी यहाँ पे मिलने वाली है तो जाहिर सी बात है बच्चों का रुझान यहाँ पे रहेगा। मेडिकल और आईआईटी का क्रेज तो बड़ा ही है और वो बढ़ना भी चाहिए क्योंकि वास्तविकता में जब टॉप कॉलेज में बच्चे पहुँचते हैं तो उनका भविष्य अलग रूप से ही निर्माण उसमें होता है। और पटना मुझे लगता है कि कर्मठ शहर है, बिहार अपने आप में ऐसा प्रदेश है जो कर्मठता का शहर है, जहाँ पे किसी भी परिस्थिति में बच्चा पढ़ना जानता है। जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, यहाँ का अकोमोडेशन की कॉस्ट बहुत कम है, लिविंग कॉस्ट बहुत कम है, तो और कोई हो सकता है कि इतना बाहर जाके अफोर्ड ना कर पाए, तो यहाँ पे लिविंग कॉस्ट बहुत कम है। मेरे हिसाब से पटना का एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, अगर कोटा की शिक्षा यहाँ पे मिलेगी तो बच्चों को बहुत फायदा होगा। बोर्डिंग रोड में सर बात करें तो चप्पे चप्पे पर आईआईटी जेईई और नीट के बोर्ड मिलते हैं बच्चों को, क्यों बच्चे मोशंस की तरफ? जाहिर सी बात है कि मोशन जाना जाता है, बहुत सालों से हम ये काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, हम कोई ओवरनाइट खड़े हुए कोचिंग संस्थान नहीं है कि किसी ने हमारे साथ 200 करोड़ 500 करोड़ रुपए लगा दिए और हमने कोचिंग खड़ी कर ली, ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ है। हम पिछले 20 वर्षों से निरंतर ये काम कर रहे हैं, निरंतर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम अलग इसलिए हैं क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ टॉप रैंक्स पे बात नहीं करते हैं, हम सिलेक्शन परसेंटेज पे बात करते हैं। जो बच्चा एवरेज है, हाँ मेहनत उसे करनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा बच्चा जो मेहनत करना जानता है और मोशन के साथ और मोशन सिस्टम के साथ जुड़ता है तो उसको रियलिटी में सफलता मिलेगी। उसके मेजर कारण है कि हमारा टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है एकेडमिक्स को लेके, तो एकेडमिक्स और टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा समावेश है, चाहे मशीन लर्निंग को लेकर है, एआई को लेकर है। मैं बताना चाहता हूं जो यह नहीं जानते, करीब 400-450 लोगों की हमारी टीम है कोटा में जो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी और कंटेंट का मिक्सचर करती है। मैं आपको बताऊं, आपको इस बार जो पटना में सीटें मिलेगी, आप सोचिए वो मशीन लर्निंग से बनी हुई सीटें हैं। मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, हो सकता है बात थोड़ी सी टेक्निकल लगे बट बताना शायद आवश्यक होगा। बच्चों को शीट सर अब ऐसी मिलेगी, आप सोच के देखिए बच्चों को सवाल कैसे मिलने चाहिए। पहली बात, किसी भी चैप्टर पे अगर सवाल मिल रहे हैं तो वो सब टॉपिक पे टूटा हुआ होना चाहिए, मतलब उसके बहुत सारे टुकड़े हुए होने चाहिए, और सबसे पहला सवाल होना चाहिए सबसे आसान हो। ये कैसे तय होगा? उस सवाल को जब 1000 बच्चों ने पहले अटेम्प्ट कर रखा है तो हमें पता पड़ जाता है कौन सा सवाल आसान है कौन सा टफ है। उसी डेटा बेस को लेकर, डेटा मैनेजमेंट को करके इनकी शीटें बनाई गई है। ये ध्यान में रखा गया है कि अगर बच्चे को 20-25 हजार सवाल करने हैं तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सब्जेक्ट्स, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग टॉपिक्स, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सब टॉपिक्स होने चाहिए, तभी बच्चे का सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। एडमिशन लेने से पहले बच्चे कैसे डिफरेंशिएट करें कि बाकी कोचिंग से बेहतर? मेरे हिसाब से आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। मैं ये कहता हूं कि जानिए मोशन ने क्या क्या करा है उसको, अगर आप अच्छे से एनालिसिस कर लोगे तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आपको बहुत सारी चीजें अलग मिलेंगी और ज्यादा मिलेंगी। दावे से मैं कह रहा हूं, कोई बड़ी कोई और कोचिंग में जा रहा हो उससे रिक्वेस्ट है कि एक बार इवैल्यूएट करिए, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं। एक सवाल है कि पटना के जो बच्चे हैं जो यहाँ के रेजिडेंशियल हैं वो तो बाहर चले जाते हैं, ग्रामीण परिवेश के बच्चे यहाँ आते हैं, चाहे वो कमीशन का तैयारी करे, जेई का तैयारी करे, फी मैटर रखता है, ऐसा आर्थिक समर्थता उनमें नहीं है, किस तरीके से आप लोग उसको मैनेज करते हैं? ऐसी बात है कि फीस अभी फर्स्ट ईयर है तो उसमें बहुत सारे इनॉग्रल ऑफर रखा गया है, पहले कुछ दिनों के लिए 50% स्कॉलरशिप दे दी गई है। उसके अलावा भी हमारी चार चीजें जिसमें आप कर सकते हैं, एक मोस्ट एग्जामिनेशन होता है उसको दीजिए,
काफी सारे बच्चों को बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलती है। दूसरा है एमटीएससी, उसको आप दीजिए। तीसरा, आपकी टेंथ और ट्वेल्थ में अगर परसेंटेज अच्छी है, आप अपने स्कूल के टॉपर हैं, तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। एक हमारा प्रोग्राम चलता है जिसमें सब कुछ फ्री मिल सकता है, वो लॉटरी प्रोग्राम। लॉटरी प्रोग्राम अभी निकली हुई है, उस फॉर्म को भरिए, लॉटरी भरिए, हो सकता है कि आपको 100% फ्री भी का भी मौका मिल जाए। तो ईश्वर ने, अगर आप गरीब तबके से आते हैं और ईश्वर ने आपका साथ दे दिया और वो चाहता है कि आप जीवन की सफलता छुएं, तो हो सकता है लॉटरी में आपका नाम निकल आए। तो मेरे हिसाब से पैसा बाध्यता नहीं बनेगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। नितिन विजय जी, जितने वीडियोस में आपको प्यार मिलता है उतना पटना में मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मुझे सही बताऊं तो मैं सबसे ज्यादा प्यार जिस प्रदेश से मुझे व्यक्तिगत रूप से मिलता है वो बिहार। तो पटना को लेकर तो मुझे विशेष बहुत प्रेम। मुझे नहीं पता था कि, मतलब एक अध्यापक के रूप में मुझे नहीं पता था कि मैं कोटा में पढ़ाऊंगा, और सबसे ज्यादा प्रेम मुझे जो मिला है वो बिहार से मिला है। तो जाहिर सी बात है, पटना को लेकर तो हम बहुत उत्साहित हैं। तो आपने सुना किस तरीके से वो कहते हुए नजर आए कि देखिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिन्हें लग रहा है कि पैसा जो है बाध्यता है मेडिकल या इंजीनियरिंग करने में, उन्हें अब कोई बाध्यता नहीं होगी। हमारे इंस्टीट्यूट में सारी फैसिलिटी है और यहाँ पे जो है जो सुविधाएं दी जाती है, जो कोटा में मिलता है वही सुविधाएं अब यहाँ मिलने जा रही है। यहाँ इस संस्थान की खासियत है कि यहाँ पे एक लॉटरी सिस्टम होता है, जिस लॉटरी सिस्टम के माध्यम से छात्र को फ्री भी क्लासेस मिलेगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।